एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको बोला है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन इफ यू हैव द टू जीरोज ऑलरेडी. दो जीरोज आपको दिए हुए हैं तो बाकी जीरोज निकालने हैं. समीकरण है हमारे पास क्या, 2x की पावर 4 माइनस में 3x का क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2. इसके दो जीरो जो है एक है रूट टू और एक है माइनस रूट टू. और बोला है बाकी के जीरोस फाइंड करो. तो भाई इसके कितने जीरोस हो सकते हैं पहले बताओ. चार हो सकते हैं टोटल, क्योंकि पावर कितनी है, 4 है. अब जीरोस का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू. तो हमें ये x की वैल्यू दिया हुआ है, x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, रूट टू, और x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, माइनस रूट टू. ये दो वैल्यू दे रखा है, दोनों को हम इकट्ठा लिख सकते हैं. जब भी ऐसा है याद रखना दोनों को इकट्ठा करके लिख देना प्लस माइनस में रूट टू. ये लिख देना प्लस माइनस में रूट टू करके लिख देना. अब इसका दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस माइनस में रूट टू का स्क्वायर यानी कि 2. तो x स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया. इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0. अब इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो. और डिवाइड करने के बाद जो क्वोशेंट आएगा वो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे. तो आप लोग जो है इसको डिवाइड करके पहले दिखाओ, फिर आगे मैं बढ़ूंगा. यहाँ लिख दो 2x की पावर 4 माइनस में 3x का क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 2. इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से. फटाफट शुरू हो जाओ, डिवाइड करो इसको. इसको डिवाइड कर दोगे, डिवाइड जिसको करना नहीं आता वो देख लो. डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, इसका पहला टर्म उठाते हैं 2x की पावर 4 जो है ना, उसका पहला टर्म उठाओ 2x की पावर 4 और इसको पहले टर्म से डिवाइड कर दो x स्क्वायर से. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x स्क्वायर. तो 2x स्क्वायर ऊपर लिख दिया. अब उसको जो है उस 2x स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो इस वाले से. तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर. तो याद रहे स्क्वायर के नीचे स्क्वायर और 4 वाले के नीचे 4. साइन चेंज करके काट दो, कहां पे और की जगह 2x, 4x4 लिख देना, 2x साइन है इधर 2x4. अच्छा हां यहां 2x4 कुछ भी लिखवा देते हो या पुराना लग रहा है. तो माइनस 3x का क्यूब और ये भाई प्लस माइनस माइनस 3 में से 4 गया तो प्लस का x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2. अब इसका पहला टर्म है माइनस 3x का क्यूब अपॉन में x स्क्वायर. तो भाई बचेगा माइनस में 3x, यहां लिख देंगे माइनस में 3x. अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 3x का क्यूब और माइनस में 3x का माइनस में 6x. साइन चेंज कर दो, प्लस में होगा भाई माइनस में कैसे, कैंसिल कैंसिल, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2. तो देखो ये सेम सेम दिख रहा है, प्लस 1 से चला जाएगा माइनस का स्क्वायर, ठीक है. नहीं अभी भाई जीरो नहीं आएगा. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना भाई 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1, इसको हम फिर से जीरो निकालेंगे सॉल्व करके. तो भाई हमारे पास जो है इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1, इसको जीरोस निकाल लें भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से. तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में x प्लस में 1. पेयर बना के कॉमन निकाल दो, यहां से 2x आ जाएगा अंदर बचेगा x माइनस में 1, यहां से माइनस 1 कॉमन निकाल लो अंदर बचेगा x माइनस में 1 इक्वल टू 0. अब यहाँ से x माइनस 1 कॉमन निकालो अंदर बचेगा 2x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0. दोनों को सेपरेटली रख देंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 और x यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2. तो भाई हमारे पास दो जीरोस पहले ही दे रखे थे, चार जीरो दो जीरोस और आ गए. तो जब आप लिखोगे फाइनल आंसर देन यू विल से दैट टोटल जीरोस ऑफ द अबव इक्वेशन विल बी रूट टू माइनस रूट टू 1 and 1/2. तो हिंदी वाले लिख देंगे इस समीकरण के सभी शून्यक रूट टू माइनस रूट टू 1 और 1/2 होंगे. समझ पाए. अब इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद घर चले जाना, पानी वानी पी के सो जाना.
क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 का या 2.3 का थर्ड क्वेश्चन ही कर लो बस। 2.3 का थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड करो पहले, फिर फोर्थ करेंगे। पहले थर्ड ये भाई, इसका दो जीरो दिया हुआ है कि हमारे पास ये दो जीरोस हैं और बोला है कि बाकी के दो जीरो फाइंड करो। तो इसमें क्या करेंगे, अभी बताया था दोनों का इकट्ठा लिख दो। इकट्ठा कैसे लिखेंगे, रूट में 5/3, अब उसके बाद स्क्वायरिंग बोर्ड का साइड कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस में रूट में 5/3 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3। अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और इधर ये 5 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस में 5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अब इससे डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो हो जाएगा भाई 3x का 4 प्लस में 6x का क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5। इसको यहां से लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस में 5, इसको अब इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा पहला टर्म इसका और पहला टर्म इसका हो जाएगा, तो हमारे पास सीधा लिख रहा हूँ डायरेक्ट मैं एक्स स्क्वायर, तो बनेगा 3x की पावर 4 और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5x स्क्वायर। साइन चेंज कर देंगे, कैंसल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6x का क्यूब और यहाँ हो गया प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5। अब इसका पहला टर्म तो हो जाएगा हमारे पास 2x, तो 6x क्यूब माइनस में 5 × 10, साइन चेंज कर दो, कैंसल 3x का स्क्वायर माइनस में 5, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल जाएगा सीधा, प्लस 1 से कर दो, 3x स्क्वायर माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे, यहाँ 1 है हमें 1 चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, फैक्टर बना के कॉमन निकाल दो, यहाँ से x निकलेगा x प्लस में 1 और यहाँ से ये 4 जीरोस हो गए इसके, दो जीरोस आपके पास पहले से ही थे, दो जीरोस ये हो जाएंगे।